अनन्या इधर आ बेटा, इधर आओ।
सर कैसा आपको पढ़ा रहे हैं? अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में? Yes. समझ में आता है आपको? अच्छा है। अभी उसको पहली बार ही बताया इसको कि कैसे सब्सट्रैक्ट हाँ। करते हैं कैरी करके। फर्स्ट टाइम में ही समझ रही है। करके ही दिखा, सॉल्व कर लिया। सॉल्व कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। हमारी संस्था से ऐसे बच्चे जो स्लम एरिया के हैं वो आ रहे हैं और यहाँ पर अच्छा सीख रहे हैं। हम ये शिक्षा निःशुल्क दे रहे हैं, आप सबको बताना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा दान करने से ही अच्छी बढ़ती है और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हम चाहेंगे हमारे संस्था से और भी बच्चे जुड़ें और निःशुल्क ज्ञान अर्जित करें। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी इस जो बातें हैं वो इस मुहिम में लोग हिस्सा बने हैं। लोग इस मुहिम में लोग हमारे हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा तो बच्चे जो स्लम एरिया के हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो हमारी संस्था से जुड़े, हमारी संस्था पे आकर वो निःशुल्क सीखे। हम उनको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सकते बच्चे यहाँ पर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैं उन लोगों को सिखा पाऊंगा, शिक्षित कर पाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जब तक तुम्हें टेंस नहीं आएगा तुम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। तुम्हें नॉर्मल बोलना क्या है, जो तुम नॉर्मल हिंदी बोलती हो, मैं यहाँ गई वहाँ गई, ये खरीदा वो खरीदा, ऐसे ये बात की उसने ये बोला तुमने ये किया, जस्ट छोटे छोटे सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोले जाते हैं, बोले जाते हैं उनको जरूरी है। टेंस अगर आ गया तुमको, टेंस अगर आ जाएगा तो फिर तुमको एक पूरी पैराग्राफ दे दिया गया, एक स्टोरी दे दी गई तुमको, तुम बना सकते हो। जैसे पढ़ती थी स्टोरी वहाँ पे, एक शेर था एक चूहा था, दोनों बहुत फ्रेंडशिप थी, शेर ने चूहा से ये बोला कि ऐसा करो, फिर उसने ऐसा किया, उसने ये सोचा वो सो गया। तो जब ये कैसे है छोटे सेंटेंस है, इसको जब तक ट्रांसलेशन करना नहीं आएगा कैसे वो जब टेंस आएगा। टेंस क्या है, टेंस बहुत बेसिक चीजें हैं वो तो मैं समझा दूंगा मैं, तो एटलीस्ट तुम बोलना सीख जाओगे कि कैसे यूज करना है। फिर बात आ जाए तुम्हें टेंस आ जाएंगे तो तुमको एक छोटा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को जोड़ के बनाओ। अभी वैसी हाँ जो कमी है सीखना है तो अच्छे सीख सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कि आप बाहर किसी गाड़ी में सीखने जाओगे पैसे ज्यादा दोगे, दूसरी चीज का इतना अटेंशन नहीं मिलेगा। हाँ सब जाओगे ना तो नॉर्मली क्या होगा, एक बच्चा होगा, सपोज क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 में से 5 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत स्मार्ट होंगे, वो अपने इंग्लिश को और अच्छा कर लेंगे, 5 बच्चे होंगे जो मीडियम होंगे और 5 बच्चों में बहुत ही वीक होंगे, बहुत वीक, उनको बेसिक से जरूरत उनको सीखने की। तो क्या एक टीचर जो वहाँ सिखा रहा होगा वो कैसे मैनेज करेगा, एक जिसको अच्छी इंग्लिश आती है और सीखना चाहता है, एक को मीडियम आती है एक को बेसिक आती है, अगर वो इसको नहीं आती इसको ले चलता है तो जो आगे जो कुछ आता है वो उसे बेकार कर उन्हीं ध्यान दे रहे हैं, मीडियम वाले को पकड़ता है तो बीच वाले भी रह रहे हैं और आगे वाले रह जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो अपना एक कार्य बना देता है कि स्टैंडर्ड उनको बढ़ना है, कोई सीखे या ना सीखे, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब एक जैसे हो, सब एक जैसे हो, सबकी इंग्लिश लगभग वीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक करके कोचिंग इंस्टीट्यूट जो चलाते हैं वहाँ पर एक होता है जो हम लोग ठीक है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है हर टाइम बच्चे होते हैं और वो हर टाइम बच्चे को नहीं ला दे सकता, हाँ तो एक तारीख से स्टार्ट कर लो। हाँ किसी भी फील्ड में आजकल बिना इंग्लिश कुछ नहीं है। हालांकि जबकि हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है परंतु स्कोप जो है वो इंग्लिश का है। आपने इंग्लिश बोल दी तो आप बहुत ही एजुकेटेड है, आपको हाई स्कूल पास ना बोलेंगे, आपने इंग्लिश बोल दी। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में ऐसे, अगर आप मार्केट निकलोगे जिनको क्लास 8 पास नहीं रही वो इंग्लिश बोलनी अच्छी आती, क्यों आती है, वो ऐसे माहौल में रहे तो उनको मजबूरी हुई इंग्लिश बोलना, अंग्रेजी जान गए, जब वो इंग्लिश यहाँ कहीं बोलते तो होते हैं बहुत एजुकेटेड है। सबसे अच्छा तरीका आएंगे जब थोड़ी बहुत इंग्लिश सीखो टेंस वगैरह कस्टमर केयर पर बोल रहा हूँ ठीक है, उसको बोलो वो उससे वो आता है ऑप्शन हिंदी बात करने के लिए, एक दफा इंग्लिश बात हुआ है तो हिंदी से इंग्लिश दबाओ, इंग्लिश बस किया और जो सामने वाला जो कस्टमर केयर आपसे फोन करेगा वो इंग्लिश बात करेगा, आप उसे कुछ भी इंग्लिश बोलो तो बंदा फोन नहीं काटेगा, क्यों, उसका काम है आपको कन्विंस करना, आपको संतुष्ट करना, जब भी आप फोन करते हो तो फोन नहीं काटेगा आपसे, वो आप छोटे छोटे इंग्लिश बोलते रहिए उससे, वो आपको रिप्लाई करता रहेगा, कंटिन्यू बात कीजिए, आप 10 बार 15 बात करोगे थोड़ा बहुत आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि अगर छोटी छोटी इंग्लिश बंदे बोलोगे वो बोलेंगे कस्टमर केयर कॉल करोगे वो फोन नहीं करेगा, आपको बराबर जवाब देगा, जो भी आप बात करोगे भले आप टूटी फूटी बोलो लेकिन बोलते रहो उससे, पूछते रहो, बात करेगा फोन नहीं कट करेगा, क्योंकि कस्टमर केयर ही ऐसी जगह है जहाँ पर फोन नहीं कट कर सकते, क्योंकि काम में आपको संतुष्ट करना, आपका जो भी क्वेश्चन है या जिस चीज़ के लिए आपने फोन किया है तब आप संतुष्ट नहीं होगा तो बराबर आपको सुनाने की कोशिश करेगा हर तरीके से, तो बेटर है कि आप इंग्लिश से बात करो। करता हूँ मैं सिंपल सा कि राम स्कूल जाता है, राम होगा दोस्त होगा,
ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो ही ज्यादा होते हैं ना, ये बेसिक चीजें हैं। यही तो बेस, हमारा जब बेस खराब होता है ना, तरीके बात रीजन यहाँ पर है, जब हमारा बेस खराब हो जाता है ना तो मतलब इंग्लिश डर जाते हैं कि आगे जब पढ़ते जाते हैं ना तो इंग्लिश से बचने की कोशिश करते हैं, बचते बचते हम जब सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जब हम ग्रेजुएशन या इंटर क्रॉस करते हैं तो हमारी इंग्लिश इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि हम लगता है कि हम तो इंग्लिश मुझे आती नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारा बेस खराब हो गया है। बेस खराब हो गया, आप कंटिन्यू आगे बढ़ते हो, साइड करते 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 करते, लेकिन कब तक बचोगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कहीं ना कहीं आते आपको फिर बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल इंग्लिश से बिल्कुल मार्क्स जाओगे, बाहर जाओगे, आपको इंग्लिश आते ही नहीं। यही करते हो ना, इंग्लिश बचने की कोशिश करते हो, जहाँ इंग्लिस आती है छोड़ा रहे, लेकिन कब तक साइड करोगे? अगर आपको सीखना है तो आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। मैंने भी साइड किया, जब मैं पढ़ता था मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी स्टार्टिंग में, मैं बता रहा हूँ बहुत वीक थी, इतनी वीक थी कि मैं इंग्लिश से बचता था, बचता था कि मैं इंग्लिश ना पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ाता था, मैं साइड बैठ के मैथ सॉल्व करता, मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, बैठ के मैथ सॉल्व करता था बैठे बैठे, वो पढ़ा रहा इंग्लिश और मैथ सॉल्व कर रहा हूँ क्लास बैठे बैठे, मुझे इंग्लिश डरता रहा भाई, कौन समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैं प्लस टू करने के बाद मुझे पता इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, फिर मैंने इंग्लिश की कोर्स ज्वाइन किया, फिर मैंने अपनी इंग्लिश मजबूत की, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बचोगे तो बचना सलूशन नहीं है, अगर आप पढ़ाई छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन आप चाहते हो कुछ करना है तो इंग्लिश से बच नहीं सकते, क्योंकि इंग्लिश का आपका इंटरेक्शन जहाँ भी जाओगे होगा ही होगा, आप कहीं पर अगर किसी पढ़े लिखे समाज से पे बैठोगे तो आप वो इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, कई बार बाउंस हो जाएगा, या कहीं स्कूल वगैरह जाओगे बच्चे स्कूल जाएंगे आपके, तब मेन पेरेंट्स मीटिंग में सबसे ज्यादा गिल्ट फील होता है, पेरेंट मीटिंग में आप गिल्ट फील होगा, वो कुछ इंग्लिश का सुपर वर्ड नहीं आया, एडमिशन करवाया तो वहां पे वो इंग्लिश में बोली लॉटरी वॉटरी नहीं बताते भैया कि लॉटरी में नंबर निकला है नंबर, अच्छा बड़ी खुशी हुई है, कुछ लोगों को ना फिर कहने लगे क्या आपके बच्चे का क्या, आप कहाँ तक पढ़ी, मैंने हाई स्कूल कहाँ से, मैंने यूपी बोलते, अच्छा इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा मैडम, हमने कहा हाँ, फिर उसने बताया कि नहीं आपके अंश का नाम आया हुआ, तब समझ में आए इतनी गुस्सा चढ़ी अपने ऊपर, कहने को नहीं, लेकिन क्या करेंगे जब आता नहीं नहीं ठीक है, इंटरेस्टेड हो तो 3 से 4 में ही आ जाओ सर, और 3 से 4 में इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिस जो बेसिक चीजें होती हैं, हाँ हाँ एटलीस्ट यहाँ क्या होगा, शर्म संकोच भी नहीं तुम लोगों के अंदर, सारे बच्चे ही हैं, सारी गर्ल्स ही हैं, हाँ नहीं मारेंगे नहीं, छोड़ो कोई बॉयज का यहाँ डिपार्टमेंट तो है नहीं कि बहुत सारे लड़के हैं वहाँ पे, भी शर्म आए तो यहाँ कोई शर्म वाली बात ही नहीं है, यहाँ आओ सीखो, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट करो।